हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हम आपको पता ही है, हम लॉन्ग पीरियड गोल्स कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं। तो लॉन्ग पीरियड गोल्स में हमने फर्स्ट कंप्लीट किया था हमारा जो 5 गोल्स हैं उनके अंदर, मतलब लॉन्ग पीरियड गोल्स के जो 5 गोल्स हमारे हैं, जैसे पहला है हमारा GDP ग्रोथ, सेकेंड है फुल एम्प्लॉयमेंट, थर्ड है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ है मॉडर्नाइजेशन एंड फिफ्थ है सेल्फ सफिशियंसी। तो हम इनको एक एक को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो आज हमने सेकेंड को स्टडी करना, फर्स्ट हमारा GDP ग्रोथ कल की वीडियो में कंप्लीट हो गया था। तो आज हमारी बारी है फुल एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने की, कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड आज हमने पढ़ना है। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट आर गेटिंग वर्क। कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ऐसे सिचुएशन से जहां पे सारे लोग जो कि एबल है काम करने के, यानी कि जो समर्थ है उस काम को कर सकते हैं, एंड विलिंग टू वर्क और चाहते हैं काम करना भी, किस पे चाहते हैं काम करना, एट अ मार्केट वेज रेट, यानी कि मार्केट के अंदर जो वेज रेट चल रही है, यानी कि ये रेट आपको मिलने वाली है, ये वेजेस आपको मिलेंगे इतने, वो जो मार्केट के अंदर वेज रेट चल रहा है उसके ऊपर वो विलिंग है कि हमें काम चाहिए, आर गेटिंग वर्क। अगर उन्हें काम मिल रहा है उस वेज रेट पे, जो एबल भी हैं और विलिंग है काम को पाने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, अगर उन्हें काम मिल रहा है तो इसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन है। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। और दूसरे शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि जो एबल है काम करने के और जो विलिंग है काम करने के, अगर उन्हें मिल रहा है काम, तो इट मीन्स वहां पे कैसे सिचुएशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन है। दिस इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, और ये प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव है, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का, क्योंकि ये सोसाइटी से रिलेटेड हो गया। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, यानी कि हम रोजगार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इट मीन्स ये सोसाइटी से रिलेटेड है और ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया प्लानिंग का। कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकसेस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, इट इम्प्लाइज दैट। कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट का वो क्या है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का कुछ ना कुछ एम होगा ना, क्या एम है, वो फोकस करता है ग्रोथ को, इंक्लूसिव ग्रोथ को। इट इम्प्लाइज दैट मोर एंड मोर पीपल, फर्स्ट में कहता है मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ग्रोथ की प्रोसेस में, यानी कि जितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जितने ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे पीपल, उतने ज्यादा वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, ग्रोथ के प्रोसेस में। सेकेंड कहते हैं बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो भी यानी ग्रोथ के जितने भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें, वो सबके साथ शेयर करना चाहिए, यानी कि जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन सभी सेक्शन के अंदर इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट अमाउंट्स टू अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और इसका क्या मतलब है कि जो ग्रोथ हो रही है हमारी वो सोशल जस्टिस के साथ हो रही है, यानी कि सभी को न्याय मिल रहा है, हमारी ग्रोथ जो हम अचीव कर रहे हैं उससे सभी को बेनिफिट मिल रहा है। कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ये कह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अगर आपने ये कह दिया कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सबके को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक भी अनएम्प्लॉयड बंदा नहीं, यानी कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट बाय नो मीन्स शुड बी कंसिडर एज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट को कभी भी ये बात कंसिडर नहीं करनी चाहिए कि इसका मतलब कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहते हैं इकोनॉमी के अंदर हमेशा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है, विच इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं एक मिनिमम रेट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमेशा रहती है, वो किसकी वजह से हो सकती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, अगर प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकती है, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्टेंस में रहते ही रहते हैं इकोनॉमी के अंदर, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेशक से आपकी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट करती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कही, कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय एंड लार्ज आर रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन सिस्टम। कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल चेंजेस का यही मतलब है कि बाय चांस नई टेक्नोलॉजी आए प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर और उसको अडॉप्ट करते टाइम, यानी लोगों को उसके अकॉर्डिंग ढलने में टाइम लग गया, तो जब तक लोगों को वो टेक्नोलॉजी समझ में आई, नए नए वर्कर्स वहाँ पे अपॉइंट किए गए, या फिर वही पुराने वर्कर्स को वो बात तब तक समझ में आई कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी के साथ
काम करना है, तो तब तक उनको समझ में आए, तब तक तो वो थाली यानी बैठ के उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी, तो उस टाइम तक तो काम बंद रहा ना, यानी वो अनएम्प्लॉयड रहे ना। कहता बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस पीपल टेंड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम टिल दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू दीज चेंजेस। जब तक उन्होंने अपने आप को उस चेंजेस में नहीं डाला, जब तक तो वो अनएम्प्लॉयड रहे ना, तो उस टाइम में अगर वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वैसे तो उन्हें एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम मिल रहा है, वैसे तो वो एम्प्लॉयड है, तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो वो आते ही आते हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड तो है ना फिलहाल के लिए, वो जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है और उनको वो चलानी नहीं आ रही, वो उससे फैमिलियर नहीं है, तो जब तक वो उसको समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, उसके साथ डील करना सीखेंगे, तब तक तो वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन वैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से, यानी नेचुरल रेट है। सेकंड में कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला है, इज कंसिस्टेंट विद अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो किसके साथ रहती है, फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ ऐसी सिचुएशन रहती है, यानी नेचुरल है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी इतना एम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी के अंदर होगा ही होगा, जो भी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जब भी आप फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए चलोगे, तो इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी के अंदर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अभी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसका डायरेक्ट मतलब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से है। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे कि स्ट्रक्चर चेंज होगा प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, अब उन नई नई टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर होने में टाइम लगेगा, तो वर्कर्स जब तक उसको अडॉप्ट करेंगे तब तक क्या हो जाएगा, जब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, तो जो वो अनएम्प्लॉयड रहे उस टाइम के लिए, तो इट मीन्स कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड वहां पे दिख रहे हैं, लेकिन वैसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ बार बार, कि फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन टू अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कि हमने लॉन्ग पीरियड गोल्स की जो हमने बात की, हम सेकेंड पॉइंट पे थे फुल एम्प्लॉयमेंट की बात पे। फुल एम्प्लॉयमेंट आपको इतना समझ आना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर आपको देखनी है कि किसी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, तो आपको केवल इतने डेफिनेशन याद रखने कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब जो एक सारे लोग हैं, उन सभी लोग जो कि एबल हैं, यानी कि वो अगर वो काम उनको दे दिया जाए तो वो उस काम को कर सकते हैं, योग्य हैं उस काम को करने के, और उस काम को करना चाहते भी हैं। वो किस काम को करना चाहते हैं, जो मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है ना, वेज रेट चल रहा है, उसी के ऊपर वो चाहते हैं कि अगर आप हमें दिन के 1,000 रुपए दे रहे हो ये काम करने के लिए, तो वो रेडी हैं कि हाँ जी हम 1,000 रुपए में ही काम कर देंगे, कोई बहस नहीं कर रहे, वो विलिंग है उस काम को करने के लिए उसी एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। और अगर उन सभी को काम मिल जाता है, जितने भी बंदे एबल है काम करने के लिए और विलिंग है एग्जिस्टिंग वेज रेट के ऊपर काम करने के लिए, अगर उन सभी बंदों को काम मिल रहा है, तो इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यानी कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फिर ये सिचुएशन है कि वहाँ पे उस इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जो चाहता है और जो एबल है उसको मिल रहा है। अब जो अनेबल है काम करने में, जो कर ही नहीं सकता काम, अगर वो अनएम्प्लॉयड बैठा है तो हम कुछ कर नहीं सकते उसकी हेल्प, मतलब हम उसको ये नहीं कह सकते कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर है। या फिर अगर एग्जिस्टिंग वेज रेट पे मिल रहा है, उसे 1,000 रुपए मिल रहे हैं दिन के एक काम करने के, वो कह रहे हैं नहीं मेरे को 2,000 रुपए चाहिए इसलिए मैं खाली बैठा हूं, तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप खाली बैठे हो तो फिर आप बैठे रहोगे, ठीक है। यानी कि फिर हम आपसे बहस नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि आप अनएम्प्लॉयड, मतलब कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस टाइम हम फुल एम्प्लॉयमेंट कंसिडर करेंगे कि सारे लोग जो एबल हैं और जो विलिंग है काम करने के लिए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उनको काम अगर मिल रहा है तो इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।